जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वैश्य विभूति स्वर्गीय राजकुमार महासेठ जी का पंचमी पुण्यतिथि समारोह कार्यक्रम का आयोजन मधुबनी जिला के जयनगर के सूरी विवाह भवन परिसर में आर.के. महासेठ विचार मंच जयनगर के द्वारा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वैश्य विभूति स्वर्गीय राजकुमार महासेठ का पंचमी पुण्यतिथि समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. मुकेश कुमार महासेठ ने किया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने बिहार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता स्वर्गीय राजकुमार महासेठ के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। वक्ताओं ने कहा कि वे एक प्रख्यात राजनेता और प्रसिद्ध समाजसेवी थे, साथ ही मिथिलांचल के विकास के लिए वह सतत प्रयत्नशील रहे। बता दें कि राजकुमार महासेठ बिहार में वैश्य समाज के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। वे मधुबनी से कई बार विधायक रहे हैं। उनके बड़े पुत्र समीर कुमार महासेठ वर्तमान में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री एवं मधुबनी विधानसभा के विधायक हैं। इस मौके पर मधुबनी के दौरिक पूर्वे बेदानंद साह, लदनिया के तुलसी गुप्ता, जयनगर के विश्वंबर पूर्वे अनिरुद्ध ठाकुर, डॉक्टर शत्रुघ्न कारक, डॉक्टर सुनील राउत, उपेंद्र नायक, प्रदीप प्रभाकर, प्रवीर महासेठ, बबलू गुप्ता, सुरेंद्र महतो, दीपक खरगा, पवन कपड़ी, दिनेश पूर्वे, सुमित राउत, पप्पू पूर्वे, संतोष शर्मा, हरेराम चौधरी, दिनेश महतो, शिवशंकर ठाकुर, रामदेव चौधरी, ब्रह्मदेव पूर्वे, शीतल राउत, राजेश कुमार, रामदेव चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या लोग मौजूद थे। पांचवा इस अवसर पर हम जयनगर के तमाम सभी दल के लोगों को अति हम आभार प्रकट करते हैं जो इनका आज पुण्यतिथि बाबू मुकेश महासेठ जी के अध्यक्षता में और संपूर्ण लोग, सभी वर्ग के लोग, सूरी समाज के लोग और तमाम वर्ग के लोग उसमें शामिल हुए हैं। इनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं और हम चाहते हैं बाबू राजकुमार महासेठ की विचारधारा को गांव गांव तक जाए। एक वही एक व्यक्ति हैं जिन व्यक्ति के आसपास 5 साल पूर्व निधन के बाद संपूर्ण जिला में एक पार्टी नहीं सभी पार्टी के लोग पुण्यतिथि उनका शोक सभा मनाए और एक दल नहीं सर्वदलीय उनका कार्यक्रम पूरे जिला में हर पंचायत प्रखंड स्तर पर इनका कार्यक्रम रखा गया। आज भी इनके कार्यक्रम को 5वें पुण्यतिथि के अवसर पर जयनगर के सूरी धर्मशाला में आज हमारे सुजातीय एवं अन्य साथी सभी वर्ग के साथियों का सहयोग से इस कार्यक्रम को आज सफल हुआ है, जिसके लिए हम यहाँ के तमाम साथियों के प्रति आभार प्रकट हुए। बाबू राजकुमार महासेठ के चरण में नमन करते हुए इनके आत्मा के शांति के लिए भगवान से कामना करते हैं और जयनगर के नौजवानों को आगे बढ़ करके इस इनके कार्यक्रम में भाग लिए हैं और भाग लेना चाहिए, इनके विचारधारा को पर चलना चाहिए। यही कह के अपनी बात हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे मधुबनी जिला के वेदानंद शाह जी, श्री अनु चौधरी जी और हमारे दूर से युवा कार्यकर्ता और संसार के स्थित लोग उपस्थित थे और उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके किए गए का समाज के प्रति राजकलाओं का उन्होंने मूल्यांकन करके उनको याद किया कि वो समाज के लिए कितना अपना योगदान दिए हुए हैं और सभी ने आगे उस योगदान को भूलना नहीं है, इसको आगे बढ़ाना है। इस बात का प्रयोग बाबू राजकुमार महासेठ जी की पुण्यतिथि माना गया। महासेठ जी ने हम लोग के सामने एक संदेश दिया और अपने कर्म से, अपने कार्यों से यह बताया कि राजनीति में आज बहुत कम नेता बचे हैं जिन्हें शालीनता से बात करना आता हो। उसी वैसी स्थिति में बाबू राजकुमार महासेठ ने राजनीतिक शुचिता का परिचय दिया, अपने सूरबीर का परिचय दिया, सामाजिक मूल्य का वर्णन किया जो आज के नेताओं के लिए यह एक सबक। दूसरी बात, उन्होंने यह बात बोला जो आज राजनीति में जितने भी राजनेता हैं उसके बदले सरकारी काम वहाँ के IAS सचिव लोग करते हैं और उन्होंने कहा सचिव या नौकर साहब हमारा
सहायक हो सकता है, वह मेरा पथ प्रदर्शक नहीं होगा। यदि वह पथ प्रदर्शक बनता है ये लोकतंत्र की कमजोरी होगी। आप सोच सकते हैं वह लोकतंत्र के कितने बड़े हिमायत हैं। इसलिए उनका जो प्रभाव था वो सभी वर्गों में था, सभी वर्गों में उनका व्यापक प्रभाव था, जिसके कारण सभी समाज में आज भी उनकी विचारधारा से नहीं भी मानने वाले लोग तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए उनके जो संदेश है, उनका जो जीवन है, वो हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। इसीलिए वो हमारी विरासत है और इसीलिए हम विरासत को याद। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।